22 फरवरी साल 1958 को मौलाना अबुल कलाम आजाद का निधन हुआ। वे एक स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ ही कवि, लेखक और पत्रकार थे। वे देश के पहले शिक्षा मंत्री बने और अगले 11 वर्षों तक राष्ट्र की शिक्षा नीति का मार्गदर्शन किया। इन्होंने गांधी जी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल भी गए। शिक्षा नीति में किए गए बुनियादी सुधारों के लिए हर साल इनके जन्म दिवस 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। साल 1992 में भारत सरकार ने इन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया। 22 फरवरी साल 1732 में जॉर्ज वॉशिंगटन का जन्म ब्रिटिश अमेरिका के वर्जीनिया में हुआ। 57 वर्ष के आयु में ये न्यूयॉर्क के फेडरल हॉल में संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए। इनका शासनकाल साल 1789 से 1797 के बीच रहा। जॉर्ज वॉशिंगटन को फादर ऑफ अमेरिका भी कहा जाता है। अमेरिका को ब्रिटिश राज से आज़ादी दिलाने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वॉशिंगटन ने अमेरिकी स्वतंत्रता के लिए एक लंबा संघर्ष किया और उसी दौरान अमेरिकी सेना का नेतृत्व भी किया।